तो कैसे हो दोस्तों, और अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो आपने एक रील ट्रेंड देखा होगा, उसमें एक बंदा के बोलता है कि मैं आज आपको टफेस्ट फुटबॉल स्किल सिखाऊंगा और फिर बॉल को पास कर देता है। तो ये सच्चाई है यार, इसलिए नहीं कि पास करना बहुत टफ है, इसलिए कि लोग यूजुअली सेल्फ खेलते हैं। बेसिकली जिन्होंने फुटबॉल चालू किया होता है या अमेच्योर लेवल पे होते हैं, कहीं ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं खेले होते हैं, वो सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं। पर सच्चाई ये है कि पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे हायर लेवल पे जाओगे आपको समझ में आएगा कि पासिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, इवन यूरोपियन, वो यूजुअली पास करना पसंद करते हैं, वन टच या फिर अपना पूरा गेम पासिंग पे ही खेलते हैं। इनफैक्ट कई मिडफील्डर्स के तो गेम्स निकल जाते हैं उन्होंने मिस पास किया होता है, मतलब 8-10 गेम तक उनके पास एक्यूरेसी एकदम 100% रहती है, जैसे टोनी क्रूस। तो यही सच्चाई है कि आपकी जितनी अच्छी पासिंग होगी उतना ज़्यादा आपका चांस होगा कि आप कहीं आगे जाके प्रोफेशनल खेल सकते हो। तो आज का वीडियो इसीलिए है, आज के वीडियो में आपको 3 बेसिक पासिंग स्किल्स बताऊँगा जिनको आप यूज़ करके गेम में चमत्कार कर सकते हो। और ये पासिंग स्किल एकदम बेसिक है, मतलब एकदम बिगिनर के लिए, तो ये तो आपको आनी चाहिए। तो इसमें पहला बेसिक पास है इनसाइड पास, बेसिकली इसको पुश पास भी कहते हैं, और ये सबसे बेसिक टेक्निक होती है पास करने की, मतलब सबसे बेसिक। तो इसमें आपको अपने पैर का इनसाइड यूज़ करना है और पाँव का सेंटर यूज़ करना है, और आपको बॉल के एकदम सेंटर में हिट करना है ताकि बॉल एकदम फर्म और ग्राउंडेड जाए सामने वाले तक। इसमें आपको जो प्लांटेड फुट होगा, मतलब जिस पैर से आप पास नहीं दे रहे हो, उसका डायरेक्शन डिसाइड करेगा बॉल के पास का डायरेक्शन। अब देखा, इसको मास्टर करने का कोई ऐसा मैजिकल तरीका तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं आप दूध में कुछ मिला के और गोल के बीच और आ जाए आपको। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और मतलब अंधा प्रैक्टिस, मतलब एक एक पैर से हज़ार पास करो। उसके लिए आप एक वॉल ढूंढ सकते हो, जैसे मेरे घर की छत है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और इस पर पासिंग कर सकता हूँ, और एक एक पैर से हज़ार पास करो एक एक सेशन के अंदर। अब जो सेकंड तरीका है पास करने का, वो है आपके आउटसाइड फुट से, बेसिकली आउटसाइड फुट पास। इसमें आपको अपने लेस वाला पार्ट यूज़ करना है और पैर के बेसिकली आउटसाइड वाला पार्ट यूज़ करना है। अब बात करते हैं कि इसको करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप इनसाइड से सीख सकते हो दोनों पैर से, तो फिर आउटसाइड की क्या ज़रूरत है। पर कभी कभार क्या होता है, जब आपकी बॉल प्रेफर्ड फुट पे आती है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको अपने दूसरे पैर पे ट्रांसफर करके फिर उसको इनसाइड से पास करो। आपको नैनो सेकंड का एडवांटेज लेने के लिए आपको वहीं से आउटसाइड फुट से पास डालना पड़ता है, तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसको भी प्रैक्टिस करने का सेम तरीका है, आपको दोनों पैर से हज़ार पास की प्रैक्टिस करनी है, और जब तक आपको परफेक्शन नहीं आए, जब तक समझ में नहीं आए कि हाँ मेरे टच होते ही जाएगा, तब तक आप इसको करो ही करो। तीसरा एक और तरीका है पास करने का, मुझे इसको ये नहीं पता कि इसको ऑफिशियली क्या कहते हैं, पर हिंदी में इसको ठुड्डा कहते हैं। अब ठुड्डे में आपको क्या करना है कि आपको अपने पैर का एकदम टॉप वाला पार्ट यूज़ करना है, एकदम टॉप आगे वाला पार्ट। अब ये सही पास करने की टेक्निक नहीं होती, पर ये बहुत काम आती है। देखो कभी कभार क्या होता है, जब बॉल आपकी रीच में नहीं होती है, आपको लंच करना पड़ता है बॉल के लिए, तब आप अपने इनसाइड से आउटसाइड से बॉल को नहीं टच कर सकते, वो आपका एक छोटा सा गैप रह जाता है, पर जो आपका ठुड्डा होता है आगे वाला पार्ट, उससे आप बॉल को रीच कर सकते हो। तो इसलिए आपको वो यूज़ करना पड़ता है पास देने के लिए, इससे आप सीधा पास डाल सकते हो। या फिर ये चीज़ काम आती है कि जब आप गोल के पास हो और आप रीच, बस आपको बॉल टैप इन करनी है अंदर और आप बस पहुंच नहीं पा रहे, तो बस आपने एकदम लंच किया और पाँव उस पर टकरा दिया और बॉल गोल के अंदर। ये पासिंग टेक्निक बेसिकली ईज़ के लिए होती है, तो आपको जब बॉल हिट करनी है तो आपको बॉल के सेंटर से थोड़ा ऊपर हिट करनी है ताकि बॉल उछल ना जाए या आपका पाँव उसके नीचे घुस के फ्लिक ना हो जाए और वो बॉल पहुँचे ना। थोड़ा सा ऊपर मारोगे तो बॉल आगे तक और ग्राउंडेड जाएगी। इस पासिंग टेक्निक को ज़्यादा यूज़ मत करना, मतलब ये आपका गेम ख़राब कर सकती है, पर हाँ आपको कुछ मोमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप बस सीख सकते हो, इसको अपनी आदत में मत डालना। कोशिश करना कि आप अपने इनसाइड और आउटसाइड से ही पास डालो जब भी डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट कर दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को फैला दो कि कोई बंदा है जो एकदम बेसिक फुटबॉल सिखा रहा है हिंदी में। थैंक्स, तब तक के लिए बाय।